जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे, तुम मजबूत इतना इरादा करो। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। सभी को राम राम। और श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि प्रतिस्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक प्रकार से एक और भी दिवाली हुई आज और पूरे देश में उल्लास का माहौल रहा। ये क्लास बाद में देखेंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी और उन्हें लगेगा कि हाँ जी का डेट था। ये बताइए दोनों कान में आवाज नहीं आ रही क्या जो ईयरफोन लगाए हैं? एक ही कान में आवाज आ रही क्या, ऐसा कुछ है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेटिंग करेंगे इसमें तो टाइम लगेगा, इसलिए हम पढ़ाते हैं। और विदाउट ईयरफोन के अगर पढ़ेंगे तो फिर ठीक ही है। कमेंट कर दें एक बार, देख लेते हैं। आज काफी सेटिंग इसमें गड़बड़ हो गई है क्योंकि वहां पे हम लोग गए थे तो वहां पे जो है ना लाइव हुआ था। विदाउट ईयरफोन के अगर पढ़ेंगे तो फिर ठीक ही है। कमेंट कर दें एक बार, देख लेते हैं। आवाज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं ना? आज काफ़ी सेटिंग चेंज हुई है चैनल की क्योंकि वहाँ पे लाइव था, काफ़ी चीज़ें बदला हुआ है। क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, अध्याय फर्स्ट है यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित 2024 के लिए स्पेशली। और आवाज में कोई प्रकार का जो है, आवाज में कोई प्रकार का फिल्टर नहीं है आज, इसलिए ऐसा आ रहा है। आइए टॉपिक क्या क्या होगा वो देख लीजिए। संख्याओं को लिखना और पढ़ना, लिखना पढ़ना का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने लिखा इसको ऐसे, तो क्या पढ़ेंगे जानते हो? सभी जानते हो ऐसे लिखा तो इसको क्या पढ़ेंगे? 213, इसको पढ़ेंगे 4032। इसको क्या पढ़ेंगे जरा एक बार बताओ कमेंट में सभी। चलो जो शुरू में बात कर रहे थे उनको 10-10 मिनट के लिए और किसी को आधा आधे घंटे के लिए होल्ड किया गया है क्योंकि ये लोग बहुत गंदी गंदी बात कर रहे थे। सनी कुमार, महाबोधि, वीएस कमेडी, काजल शर्मा, एस डब्ल्यू यादव, अंजू, अमनदीप, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। बताओ भैया आंसर तो बताओ। चलो ठीक है, इनको पढ़ेंगे 3003। कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, अभी बस आप ऐसे देखते रहो। अगला टॉपिक होगा प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालना। क्या होगा? स्थानीय मान। उसके बाद अगला होगा आपका संख्याओं को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। अरे शब्दों में पढ़ना है, 3003 ऐसे नहीं लिख देना है, शब्दों में लिखना है। नहीं समझा? कोई नहीं समझा, देखो ये मतलब एक ही था भैया, इसको ऐसे लिखेंगे। ये मेन है क्योंकि इसी में तो गड़बड़ाते हैं ना, ये आपके सेमेस्टर का हिस्सा है पाठ्यक्रम का, शब्दों में लिखने के लिए आएगा। ठीक है, जो डीएलएड वाले हैं ये क्या पढ़ेंगे बताइए, कोई एनीवन बताए। अभी मैं इसको बताऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा कैसे समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ लो। इसको क्या पढ़ेंगे पता है? पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगाओ, ओ सॉरी कामा लगाओ, पीछे सबसे लास्ट में पहले 3 अंक पे कामा लगा दो कहीं भी पढ़ना है, फिर बची हुई गिनती में 2-2 अंक पे कामा लगा लो, बस यही तरीका है। इसको आप पढ़ेंगे 100, ये सैकड़ा में चला जाएगा, ये आपका जाएगा 1000 में और ये लाख में, इसके और आगे है तो करोड़ में। नॉर्मली बता रहा हूं मोटा मोटा, बाकी अभी जैसे जैसे स्थिति रहती वैसे वैसे चीजें बदलती। तो इनको क्या पढ़ेंगे? 4,20,003। अगर यहां पे 2 होता तो 4,20,203। क्या पढ़ेंगे? 4,20,003, ओनली 3। ठीक है,
आइए तो इसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। जवाब दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, बताइए, जवाब दीजिए। जिनको लगता है कि इसका आंसर ये वाला सही है वो कमेंट में लिखेंगे 1D, जिनको लगता है ये वाला सही है लिखेंगे 1A। बता भैया, हाँ मैं बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, पहले छोड़ो। इसका जो सही जवाब है 4028, 4028, सो यू कैन से 1C, 1C करेक्ट आंसर है, जिसमें विजय ने सही बताया है, अंजलि राजपूत, महाबोधि बेगम और सिंपल भारती बोलेंगे या सिंपल बोलेंगे, भाई क्या बोलेंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आवत, हिंदी जानी थी बस, अंग्रेजी बहुत हमें थोड़ा कम समझ में आवत। जीरो से मैं अगर स्टार्ट करूं तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, देखिए आइए, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पे 1, 2, 4, 5, नौ अंक की संख्या को हम समझते हैं, इससे बड़ी संख्या वैसे आपके इस परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, 9 अंक तक ही ले चलेंगे और आगे भी होता है, ठीक है, 9 अंक तक की संख्या हम बढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल भारती नाम है इनका, लिखे हैं सिंपल, जो तो खुद ही गलत लिखे हो तो कंफ्यूज करते हो तो क्या करें, अब पता नहीं कितना सिंपल हो। चलो देखो यहाँ पे इसको कैसे पढ़ते हैं, इधर वाला को हिंदी में पढ़ते हैं इकाई, समझना थोड़ा अच्छे से, ठीक है, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ऐसे होता है, ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी बताऊंगा, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 1,00,000 बोलते हैं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 बोलते हैं उसको, 100K, लिख लो चुपचाप इसको सब ही, ठीक है। केवल 10 करोड़ तक में बता रहा हूं, अरब खरब जो भी होता बाद में होगा। आइए अब हम 9 अंक की कोई भी संख्या लिखिए, उसे बड़े प्यार से पढ़ सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बता दे रहा हूं, इंग्लिश वाले एक्सपर्ट होते हैं, हमारे हिंदी वाले थोड़ा ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए हिंदी में लिखा हूं, इसको बोलेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, करोड़ को बोलते हैं CR, लिखते हैं शॉर्टकट में, गौवा वाला CR नहीं, करोड़, क्या बोलते हैं, करोड़, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में देखो, लास्ट में पासबुक प्रिंट कराते हो तो CR और DR लिखता है, उस CR का मतलब करोड़ नहीं होता, वहां क्रेडिट होता है, ठीक है, बैंक का शॉर्टकट अलग होता है, लिखता है ना। आइए समझिए, आगे मेन पॉइंट की बात समझिए, जैसे अगर कोई गिनती सिर्फ 4 अंक की हो, देखो 4 अंक की है ना, समझना, अब मैं इनको जोड़ता हूं एक दूसरे से, जैसे मैंने यहां पर लिखा 3, 2, 5, 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नीचे वाली गिनती देखना, ये क्या पढ़ेंगे इसका, जरा एक बार बताओ मुझे, स्पेशली उनके लिए है जिनको मैथ सीखना है और जो यूपी डीएलएड के वास्तविक स्टूडेंट हैं और जिनकी मैथ कमजोर है, उनके लिए ना हम एकदम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं, इसलिए थोड़ा रुक रुक के बोलना भी सीख लिया हूं जब से नेताओं के कुछ भाषण सुनने लगे, क्योंकि वो भी रुक रुक के समझ समझ के बोलते हैं ना, वैसे बोलना चाहिए, नहीं तो नॉन स्टॉप नहीं सही रहता, अगले को समझ में नहीं आता है। चलिए इसको कैसे पढ़ेंगे समझना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, समझ में आया, पहला अंक होता इकाई, दूसरा दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार ना, तो हजार की जगह पे जो गिनती है वो क्या लिखोगे, उतना हजार,
तो हजार की जगह पे क्या है भैया बाबू? तीन। तो आप लिखोगे तीन और फिर हजार, ठीक, खत्म। अब देखना तीसरी गिनती जो होती है पीछे से आप देखो सैकड़ा होती है, सैकड़ा मतलब सौ, ठीक है। इसमें तीसरी गिनती क्या है? दो है। तो आप लिखोगे दो, दो और फिर उसके बाद सैकड़ा नहीं लिखोगे, सौ लिखोगे, ठीक है, दो सौ। अब इतना तो तुम जनबे करा था कि पांच और तीन लिखा तिरपन है। शब्दों में भी इसको कैसे लिखते नहीं आता, तो कल दिखा दूंगा मैं स्लाइड कि जैसे तिरपन को ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं तिरपन भी लिखते हैं, कहीं कहीं तिरेपन भी लिखते हैं, वो दिखा दूंगा, ठीक है। तो 3253, कोई डाउट ना किसी को? आओ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये था चार अंक की गिनती। साथी मेरे, इसमें थोड़ी सी दिक्कत लोगों को तब हो जाती है जब बीच में सुनना आ जाए। सुनना आके कंफ्यूज कर देता है। जैसे देखो इधर, आप बताओ ये इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, फेंकड़ा, हजार। हजार की जगह पे सात है तो हम लिखेंगे सात हजार। क्या लिखेंगे? सात हजार। कहोगे सैकड़ा के जगह पे जीरो है तो आप लिखोगे जीरो सौ। नहीं, अगर जीरो है तो जीरो की जगह छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो आप सात हजार तो लिख दिए, लेकिन यहां जीरो सौ नहीं लिखोगे, उसको छोड़ दोगे, कुछ नहीं करना है। अगला देखना है क्या है? इकतीस। इकतीस ऐसे लिखेंगे ना, इकतीस। इसमें आधा ता भी रहेगा, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हिंदी, ठीक है, 31 इंग्लिश में बोलते हैं। आज आप तरीका देख लो कि कैसे लिखना है। अब इसको इकतीफ लिखते हैं कि इकतीफ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो मैं कल आपको दिखा दूंगा अच्छे से, क्योंकि हिंदी बहुत दिन से मैं भी नहीं पढ़ा हूं इसको, लेकिन जरूरत है क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है ना। विजय समझ में आ रहा है? सोनम सिंह बहुत अच्छे, रूपा सबको आ रहा है? तो ये चीज यहां पर नई थी जो अभी मैंने बताया, ये नई थी। और एक थी चीज एकदम नई है, अभी मैं सिर्फ चार अंक पे बात कर रहा हूं, अभी नौ अंक का भी लिखवाऊंगा। देखो प्यार से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सिर्फ पढ़ना है, इस टेंशन में नहीं रहना कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्योंकि हर कोई ना नहीं पढ़ता है। कुछ लोगों के तो मन में यही है कि पेपर में कहा आए वो बताओ, बस छोड़ो ये सब लफड़ा, हमें तो सिर्फ एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास हो जाए डिग्री ले लें फिर सड़क पर रोएं, हम तो बेरोजगार। अभी देखिए बिहार में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं जुगाड़ लगा के, उनको कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे हो गए। फिर देखो पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का उद्देश्य रियल में नॉलेज होना चाहिए, तब तो ठीक है। कुछ लोग को लग रही होगी काफी लंबी, ऐसे मेरे पास फोन भी आता है, मैसेज भी आता है बहुत सारा, सर कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ पढ़ना ना पड़े, हम तो जॉब करते हैं, हम तो शादीशुदा हैं, बच्चे संभालते हैं, बस कुछ जुगाड़ बताओ कि पास हो जाएं बस। ऐसा कोई जुगाड़ नहीं होता है, आइए ऐसा जुगाड़ करके देश विकलांग हो जाएगा। इनको कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? आओ देखो, ये इकाई, दहाई, फैकड़ा, हजार। हजार की जगह पे तीन है तो आप लिखोगे तीन हजार। सैकड़ा के जगह पे शून्य है, दहाई की जगह पर भी शून्य है, लास्ट में सिर्फ सात है तो हम सिर्फ सात लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। लेकिन पता है क्या? पता है अंकों से शब्दों में तो लिख लेते हैं लोग, अगर ऐसे 3007 लिखने को बोलें तो आधे ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। हाँ, अगर 3007 वैसे लिखने को बोलें तब ज्यादा मुश्किल होती है, अभी वो भी बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 5015, बताओ अंकों में लिख के बताओ, बताओ बताओ, चलो बताओ
चलो इसको अंकों में लिख के बताओ क्या होगा। 5015 पहला है, दूसरा है, तीसरा है। अब इतना तो लोल नहीं हो, इतना तो जनभे करते हो तुम लोग। स्वाति बहुत अच्छा। मोहम्मद हसन कान में एक लकड़ी डाल के ना ऐसे से घुसाओ और फिर ऐसे करो, देखो सुनाई पड़ने लगेगा तुम्हें, क्योंकि ऑलरेडी 3200 बच्चों को सुनाई पड़ रहा है, हमें खुद सुनाई पड़ रहा है, तुम काहे डिस्टर्ब कर रहे हो। 5015 कौन सा ये वाला सही है? ठीक है, कैसे होगा देखो इधर साइड में। अरे जैसे अभी बताया था सब वैसे ये भी होगा। ठीक है, इसको देखिए लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि 5000 ऐसे लिखते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, ऐसे लिखते हैं, 3-0 होता है। हमें क्या लिखना है? 15। तो हम एक काम करते हैं, हम 3-0 होता है, 0 लगाएंगे नहीं, डॉट बना देंगे। लास्ट में दो गिनती 15 लिख लो और बाकी जो बचे 0 लिख दो, बस खत्म। ये तरीका होता है लिखने का, जुगाड़। जैसे अगर मैं कहूं कि 3,07,000 लिखो, चलो जल्दी से, तीन लाख सात आप लोग अंकों में लिख के दिखाओ फट से, चलो 3,07,000 अंकों में लिख के दिखाओ जल्दी से, चलो फट से। ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन से ही तो छाप लेते हो। बताओ भैया, बताओ 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 बताओ। 3,07,000 कैसे लिखेंगे? सबसे पहला जवाब कोई दिया है? विजय, सचिन, अंतिमा गुप्ता, सबसे पहला जवाब कोई दिया था, उनका नाम है महाबोधि। सही बोल रहा हूं मैं? मैं इधर से महाबोधि बोलता हूं, महबूबी है, सॉरी महबूबी बेगम। अंतिमा, वेरी गुड। गुलशन, ठीक है। देखिए इसका सिंपल सा एक तरीका लिखने का, वो क्या है? पहली बात तो आपको यह जान लेना है कि 1000 में 3-0 होता है, 1,00,000 में 5-0 होता है। अब वीडियो मेरा देखो फ्रीज हो गया, तुम लोग लाइक कर नहीं रहे हो, दिक्कत यही है, इसीलिए हो गया ऐसा। पहले सभी फटाफट वीडियो को शेयर करके आइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फट से शेयर करके आइए। चलिए आइए बताता हूं, देखो क्या है 3,07,000। साथियों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 3,00,000, 1,00,000 में 5-0 होता है, तो हम ऐसे 5 ही जगह बना लेंगे, कितना 5 जगह। ठीक है, हमें लिखना 3,07,000, हम लास्ट वाले पे 7 लिख देंगे बस, बाकी जो बचा हुआ 0 लगा लो, खत्म। बीच में 4-0 रहेगा, कितना 0? 4-0। महबूबी का सही था और विजय का भी सही था, काफी लोगों का सही था, इनका अंसारी जी का गलत था। सोनम सिंह का भी गलत था। ठीक है, समझ गए। तो अब एक काम करना है, उका है पता है, आप लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं करते हो, पहले फटाफट सभी जितने भी साथी हो फट से पहले एक बार शेयर करके आओ इसे, एक मिनट, चलो शेयर करके आओ, तब तक स्क्रीन चमक रही है। जल्दी से शेयर करके आए, निवेदन है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दें, शर्म की बात नहीं है। देखिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मैं 150 किलोमीटर दूर से भाग के आया लेकिन आपकी क्लास जरूर चलाया। सोते जागते उठते बैठते आप ही लोग की क्लास, कंटेंट, सिस्टम, स्टूडेंट के बारे में ही ख्याल रहता है, बाकी कोई दुनिया से मतलब नहीं। सोते जागते उठते
अभी हमारे मामा जी के लड़के की शादी थी, मैं वहां भी नहीं गया था। समझ लो कि मैंने अपना रिश्तेदारी घर परिवार भी छोड़ रखा है, सब अपोजिट रहते हैं मेरे, ये वो तो देश समाज में है ही नहीं। अब बताओ, फिर भी आप लोग नहीं सुनते हो, करके आओ पहले। चलो ये वक्त है, कितनी जल्दी निकल जाता है पता नहीं चलता है, है ना? एक मिनट बीत गया, सुनाई पड़ गया ना उसमें भी, हो गया सभी कराएं, भले रिपीट हो रही है। अच्छा है, चलो देखो, तो मुझे उम्मीद है कि आप तरीका सीख गए हैं, तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं पहले, यही सीख जाए बहुत बड़ी बात है, जिनको नहीं आती है, और बहुत लोग को नहीं आता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बिहार के शिक्षा मंत्री थे, वो बजट पारित कर रहे थे एजुकेशन के लिए, उसमें लिखा था, आप लोगों ने देखा होगा शायद, 7,300,000 समथिंग कुछ लिखा था, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, वो नहीं पढ़ पा रहे थे, समझ रहे हो? तो अच्छा, इसको बताइए क्या पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे एक बार जल्दी से हिंदी में लिख के बताइए। जल्दी बताइए, अभी शॉर्टकट बताऊंगा बाद में, पहले अभी बेसिक बता रहा हूं, एकदम सिस्टमेटिक वाला। मिल गया मुझे वीडियो, मिल गया। रुक जा, तुमको दिखाता हूं। रुको, बहुत अच्छी चीज है जो दिखा रहा हूं, हल्के मत लेना उसको। देखो देखो देखो, अब ये एक मिनिस्टर होकर इस नंबर को नहीं पढ़ाई करने के पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। शिक्षा विभाग द्वारा कुल 1,76,000,000 रुपए का उपयोग करना। क्या समझा आपने? शिक्षा मंत्री हैं ये, पीछे से कोई बता रहा है तब ही बता पा रहे हैं। समझा आपने कि नहीं? ये क्या है? वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिससे तुम्हें भी ऐसा ना करना पड़े, सीख जाओ इसलिए। ठीक, चलो हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। देख लिया आपने? ये होती है जरूरत, समझा आपने कि नहीं? ठीक है, ये क्या है? आ गया सभी को समझ में? मेरी आवाज रिटर्न आ रही ना, अभी मैंने इसमें फिल्टर नहीं लगा रखा था वॉइस में। लगा देता हूँ, थोड़ा सा रुकना, चलो आगे बढ़ते हैं, जिससे नॉइज ना आए बगल वाला रिपीट में ना। ठीक है, बढ़िया, थोड़ा आवाज कम हो गई क्या अब? यस, जो लोग ईयरफोन लगाए होंगे उनको एक ही कान में आवाज आ रही होगी। हाँ, ईयरफोन वाले एक ही कान में वॉइस आ रही होगी, तो ईयरफोन निकाल दो, दोनों कान में नहीं आएगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे 3 अंक पे कॉमा लगाओ, फिर 2 अंक पे लगाओ, बस। ये सैकड़ा वाला पार्ट हो गया, ये हजार, ये लाख। ठीक है, 93,57,207,
ये सबसे अच्छा तरीका है बिना कुछ जोड़े घटाए, ठीक है। क्या करना है आपको समझना, कोई भी गिनती लिखी है पीछे से तीन अंक पे कॉमा लगाओ, फिर दो अंक पे, फिर दो अंक पे, फिर दो अंक पे। अगर दो अंक नहीं पूरा हो रहा तो एक अंक बचेगा। जैसे मान लो ये ऐसे होता, ऐसे होता तो क्या होता, फिर यहां कॉमा हो जाता, यहां हो जाता दो अंक पे, फिर यहां एक गिनती बचती लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। 357,207, ठीक है। देखिए यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे जरा बताओ एक बार सोच के। बहुत आसान है, कितनी भी बड़ी गिनती लिखी आप पढ़ लोगे, आसान है। 9 अंक तक मैक्सिमम मैं लिखूंगा आज, बस देखो कैसे। पीछे से 3 अंक पे कामा लगाओ, फिर 2 अंक पे लगाओ, फिर 2 अंक पे लगाओ, खत्म। ये क्या है, सैकड़ा वाला पार्ट है, ठीक है। ये हजार और ये लाख, ये करोड़, खत्म। करोड़ तक पहुंचा है ना, 9,50,32,759। बताइए कोई डाउट नहीं ना, हाँ नो डाउट। चले आगे, आइडियो सेटिंग में कुछ मुझे चेंज करना पड़ेगा, वो मैं बाद में करूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि जो है ना आइडियो मुझे लगता है जो ईयरफोन लगाए उनके एक कान में जा रहा होगा आवाज। ना अभी यहां मैं करूंगा ये सब तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। स्टेरो देखो भाई, जैसे भी चल रहा चलने दो, ठीक है, नहीं तो मैं सेटिंग करता रहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, टाइम बीत जाएगा, बाद में सेट करेंगे, ठीक है। आवाज थोड़ा बहुत रिपीट हो रही होगी, रिपीट इसलिए हो रही उधर मैं प्ले कर रखा हूं जिससे कोई ये ना कहे आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, आवाज थोड़ा बहुत रिपीट हो रही होगी, रिपीट इसलिए हो रही है। चलिए ठीक है, बंद कर दिया मैंने, ओके चल जाए यार। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, सैकड़ा वाला वो पार्ट है ये, हजार लाख करोड़, 9,50,759,50,32,759। आइए थोड़ा सा मुश्किल वाला ऐसे होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पर 3, 2, 5, इसको क्या पढ़ेंगे, समझिए क्या पढ़ेंगे इसको। अब मैं क्वेश्चन लिखा हूं उसको दिखाऊंगा, सबर रखिए। पीछे फिर 3-3 अंक पे कॉमा लगाइए, पहले 3 अंक पे, फिर 2-2 अंक पे, बस खत्म। ये सैकड़ा वाला पार्ट है, ये हजार, ये लाख और ये करोड़, तो क्या हो जाएगा, 3,25,00,000 और हजार वाला जीरो है, खत्म। 3,25,33,000, जीरो वो नहीं बोलोगे इस पे कि 0,000, नहीं 0,000 नहीं बोलेंगे, 3,25,33,000। और अगर इतना होता तब क्या बोलते, सिर्फ इतना, तो इसको बोलते 25,33,000, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि गिनती में ऐसे लिख के दिखाओ मुझे 21,12,000, चलो लिखो दिखाओ 21,12,000, अंकों में लिखो, ये शब्दों में है, सॉरी ये अंकों में है, ऐसे आप मुझे अंकों में लिख के दिखाओ। इक्कीस लाख बारह लिखिए, जल्दी करिए, हो गया, बहुत आसान है, इसी के नीचे छापना है 21,00,000, तो इसके नीचे 21 और लास्ट में 12 बोल रहा था, 3 सुन्ना लगा 12 लिख दो, काम खत्म। आसान तो था ना,
अरे गिनती में लिखना था गधा, एक से एक चालाक प्राणी है। 21 ऐसे लिखता है, ऐसे 21 फिर लाख फिर 12, तो मतलब है काबा में पूछे क्या? अरे यही तो तुम गलत करते, क्या जीरो लगेगा? गलत है यह, हर जगह जुगाड़ नहीं लगेगा, बीच में तीन जीरो रहेगा, जो तीन से ज्यादा लगा है उसका गलत है, और जिसने कुछ और तरीका लिख दिया उसका भी गलत है। चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मैंने लिखा था इसमें जवाब दीजिए, ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। जिनको लगता है ये सही है वो लिखेंगे कमेंट में 2B, जिनको ये लगता है सही है वो कमेंट में लिखेंगे 2D। जल्दी करें फास्ट। आसान है, पीछे से तीन अंक पर लगाओ कामा। भाई साहब सब खत्म, तीन अंक पे कामा लगाने पे कट बच रहा है। ये सैकड़ा वाला पार्ट है, हजार वाला, 1001 क्या है? 1001 ए वाला सही है। कौन सा? इसका सही तरीका है कमेंट करने का 2A। जिन्होंने 2A लिखा है उनका सही है, जिन्होंने सिर्फ A लिखा, B लिखा, D लिखा, उनका मेरे हिसाब से नहीं सही है, क्योंकि तरीका सही नहीं है। कुछ भी चीज सही करना ही बड़ी बात नहीं है, सही तरीके से करना भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब आपको खाना खाना है, कहीं पार्टी में गए हो, अगर बैठ के ढंग का खा लिए तो ठीक है, या खड़े होकर ही खा लिए, आजकल तो खड़े होना ही चल रहा है, लेकिन अब तो कहाँ उछाल उछाल के खा रहे हो, अगले के ऊपर भी पड़ रहा है, हम तो खा रहे हैं। ऐसा लपेट रखे हो हाथ हाथ में कहीं और, कि जिसके बगल जा रहे हो रगड़ते बेचते उसके भी लग रहा है, तो खा तो वो भी रहा है ना, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, समझ गए ना? तो वैसे जो लोग आंसर दे रहे हैं कुछ भी उल्टा पुल्टा करके, हम तो सही बता रहे हैं, वो तरीका सही नहीं। आइए इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? पीछे से तीन अंक पर 10 ऐसे लगाएंगे कामा, और कॉमा ऐसे इधर को लगाते हैं, इधर को नहीं, ठीक? तो 919 ये हो गया, 2919 क्या हो जाएगा? 2919। सिंपल भारती आपका तरीका बिल्कुल गलत है, एकदम 200% गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। बीके आपका बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। थर्ड में फोर नंबर में आ जाओ, फोर में क्या पढ़ेंगे भैया? पीछे फिर तीन अंक पर कॉमा लगाओ, कहा पढ़ेंगे हो? 0992। जीरो किसी गिनती के पहले हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, चाहे एक ठी जीरो लगा, चाहे तुम 60 जीरो लगा दो, ठीक है? तो सिर्फ क्या होगा, 992 क्या होगा? 992। बढ़िया, मस्त है, अच्छा चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत ना किसी को। इसको क्या पढ़ेंगे जरा देखो और बताओ। स्थानीय मान भी पढ़ाना है, लेकिन आज एक एक क्लास है, हम सोच रहे हैं ना बिल्कुल दिल से पढ़ना है, भाग दौड़ नहीं है, चाहे कोनो आए चाहे ना आए, एक ही पढ़ेगा आज ना, एक का बच्चा तो मैं उसी को पढ़ाऊंगा आज, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूं एकदम, टेंशन फ्री। होता क्या जब अगली क्लास है, 5 मिनट उसमें लेट हो रहा है, अरे अगली छूट रही है, सब पकड़ने के चक्कर में ना एक को नहीं पकड़ाती, वही हाल आजकल स्टूडेंट का है। आर ओ को पेपर है 12 फरवरी को, 18 तारीख को उधर पुलिस का है, इधर अभी सीटेट का दिया ही है, उधर फिर कौन आ जाएगा, नहीं इसको पढ़ेंगे ना उसको पढ़ेंगे ना उसको पढ़ेंगे, भाग रहे हैं, लेकिन हमें किस चीज के लिए भाग रहे हैं उसके लिए टाइम नहीं है। बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, ईमानदारी से निवेदन है, ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे एक कहानी है, एक बार तीन दोस्तों ने क्या किया, कहीं मैं सुना था इसको, दारू पिया खूब कस के पिया अच्छे से, और तीनों बेहोश हो गए, आपस में लड़ाई किए, झगड़ा किए, मार किए, ठीक, और एक को ज्यादा लग गई, उसको हॉस्पिटल ले जाने का चांस हो गया कि हॉस्पिटल ले जाने मर जाएगा,
फिर क्या किया, दोनों ने उसमें से एक गाड़ी स्टार्ट किया, दूसरा बैठा हा? और इतना तेज से लेके गया सर, सिग्नल तोड़ते हुए, हर जगह ट्रैफिक तोड़ते हुए, ले जाके हॉस्पिटल का गेट वोट तोड़ के ले जाके डॉक्टर के चैंबर में गाड़ी खड़ी किया। अब डॉक्टर पूछा मरीज कहाँ है, मरीज कहाँ था, मरीज को ले ही नहीं गया, वहीं रह गया घर पे, रूम पे ही। क्या समझा? कुछ ऐसे ही स्टूडेंट के साथ आजकल होता है, वो भी ऐसे ही भाग दौड़ में दौड़ रहे हैं, मतलब जिसके लिए गया लेकर के, क्योंकि होश में था ही नहीं, उसको वहीं छोड़ के गया, वहीं तड़प रहा है। लेकिन वो लोग कुल सब कुछ तोड़ ताड़ के पहुंच गए। कुछ सीखा ना इससे? समझा कि नहीं? तो आजकल ऐसा ही कुछ चल रहा है कि पढ़ हम किसी का नहीं रहे, पेपर सबका दे रहे हैं, फार्म हर किसी का डाल रहे हैं। हमारे साथ ही रहने वाले में किसी का नाम नहीं लूंगा, हो सकता देख भी रहे हूं, 2013-14 से लोग तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो बहुत पहले छोड़ दिया था, मुझे लगा कि जब सिस्टम सही नहीं चल रहा है, पहले तो सिस्टम नहीं सही था, दूसरा घर से उतना सपोर्ट नहीं था, मैंने वो लाइन छोड़ दिया। अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं और हर एक एग्जाम देते हैं, हर एक फॉर्म डालते हैं, कोई नहीं छोड़ते हैं, सब कनेक्ट करते हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ना होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ डिसाइड है ये नहीं हमें कहाँ जाना है, वो जा रहा है उसको पकड़ लें, उसको भी पकड़ लें, उसको भी पकड़ लें, और सबको पकड़ने के चक्कर में एक हाथ नहीं आता है। यही कंडीशन है, काम की चीज़ है आपके, समझ रहे हो कि नहीं? मैंने जो कहानी बताया तीन दोस्तों की, सभी को समझ में आई? वैसे हो रहा है आजकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे संपर्क में कई लोग हैं, मैं देख रहा हूं उनको, लाख समझा लो, वो कुछ नहीं करने वाले। 10 साल की तैयारी में कम से कम 10 लाख रुपया तो कमरा किराया दे दिए होंगे, साल भर का लगभग 1 लाख रुपया किराया हो जाता रूम का नॉर्मली, ठीक है? जो ढंग की जगह रह रहे हैं, बाकी जो कर रहे हैं वो अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए, जाने दीजिए, ये काम की चीज थी। इसको क्या पढ़ेंगे? 3 अंक पे कामा लगाओगे, इधर 2 अंक बचेगा तो कितना हो जाएगा? ये 283 या 88,000, 88,283, ठीक है? छठवां नंबर में बताइए। देखो, इतनी कहानी का मेरा मतलब यही था कि हमें ए से बी तक जाना है, ये डिसाइड होना चाहिए, ठीक है? हम यहां खड़े हैं, यहां से हमें कहां जाना है, किस दिशा में कितना जाना है, वो डिसाइड होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम यहां खड़े हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हमें कहां जाना है, तो हम इधर को भी जा रहे हैं, इधर को भी जा रहे हैं, इधर को, इधर को, इधर को, कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे। समझ रहे हो ना? एक चौराहे पे खड़े हो जाओ, एक तरफ आपका घर है, दूसरी तरफ स्कूल है, तीसरी तरफ आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, अब आप आधा आधा किलोमीटर चारों तरफ जाओ, फिर लौटाओ, फिर जाओ, फिर लौटाओ, कहां जाओगे? कहीं नहीं पहुंचोगे। समझ गए ना? चलो फिर, तो ये चीज होना चाहिए जिंदगी में, जरूरी है। इसको कैसे पढ़ेंगे? पीछे से 3 अंक पर कॉमा लगाएंगे, उधर सैकड़ा वाला पार्ट है, इधर हजार वाला, तो 78,839 क्या है? 78,839। सभी को समझ में आया क्या पढ़ेंगे? 78,839। इसको हिंदी में ऐसे लिखना, शुद्ध शुद्ध ऐसे 78। देखो ये सही लिखा होगी नहीं, इसके बारे में मत बोलना, ठीक? हजार ऐसे लिखेंगे, 839। ये कैसे लिखना है, आधा ना रहेगा, पूरा रहेगा, कैसे रहेगा, ये मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है? आज सिर्फ तरीका जान लो बस। 78,839 ऐसे लिखना, पेपर में अगर ऐसे नहीं करे तो गड़बड़, एक आध नंबर का जरूर आएगा। इसको क्या लिखेंगे बताओ? नौशाद अंसारी, बताइए। पंकज सिंह, सिंपल भारती, विजय, हाँ एक नंबर में आएगा। अंजू वर्मा, ज्योति, सोनम, सभी का आ रहा है। चलो भाई, मेरा चश्मा कहाँ गया? अरे बाबा, इतना देर में मुझे इसकी याद आई।
चलिए 70 और 3 2 9, ये भी 5 अंक का है, सभी कर ही लोगे, है ना, आसान है ना, कर लीजिएगा 70,329। ये है थोड़ा सा अलग, वैसे तो मैं इस सब का मंत्र पहले दे चुका हूं। बताइए, 3 सुनना है बीच में, कितना सुनना है भाई, 3। बहुत आसान है, पीछे से 3 अंक पे कामा लगाओ, 80,000, फिर क्या है, 2 है, सिर्फ 2, आप लिखोगे 80,002, बस ऐसे लिखना है। ये तरीका है शब्दों में लिखने वाला, ये महबूबी बेगम गलत है तरीका आपका, रूपा सही है आपका। आठ सौ नब्बे और 827, बताओ ये क्या है भाई, 3 अंक पे पीछे से कामा लगाओ, फिर 2 2 अंक पे लगाओ, इसके पहले में ही फिली नहीं लगाते थे क्योंकि अंक रहता ही नहीं था। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये सैकड़ा वाला पार्ट है, ये हजार, ये लाख, 8,90,827, क्या लिखोगे, 8,90,827। दफ नंबर पे आगे बढ़ते हुए, ध्यान दीजिए क्या है, 771001, पीछे से 3 अंक पे कामा लगाओ, ऐसे खत्म। तो क्या हो जाएगा, पढ़ लो भाई, ये सैकड़ा वाला पार्ट है, ये हजार, ये लाख, 7,71,000, लास्ट में 1 है, तो क्या लिखेंगे, 7,71,001। अब अगला पार्ट है आपका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, ये भी पढ़ना है, 2 टॉपिक तो कवर कर ही देते हैं, 3 दिखाए थे ना, क्या है प्लेस वैल्यू, आसान होता, बहुत आसान होता, जवाब दीजिए, किसको लगता है 11 में ABC क्या सही है, बताओ, 11A 11B या 11C, बताता हूं, चलो आओ देखो, समझते हैं यहां पर, बहुत ही अच्छे से समझना है, ध्यान से, हमें 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 9 को ऐसे क्या करना है, खींच के यहां 9 लिखना है और गुड़ा का चिन्ह लगा के 1 लिखना है, ये आपको हर एक के लिए करना है, सब में जिस गिनती का प्लेस वैल्यू निकालना है उसको ऐसे करना है, ठीक, फिर उसके बाद देखना है उसके दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, 1 2, तो यहां 2 0 लगाना है, बस 900 इसका आंसर है, बी वाला सही है, ये उनके लिए जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उन्हें तो हर कोई बताता है ना, कहते हैं अपने घर में खाने को है ना तो पड़ोसी के यहां मिल जाता है, और घर से भूखे निकलो बुजुर्गों की कहावत है, तो कहीं नहीं मिलता है, तो वही है, अगर आपको आता है तो हर कोई बताता है, नहीं आता तो कोई बताता नहीं आपको। बताइए, पड़ोसी से एक बात और याद आई, पता है क्या, कोई बड़ी महान आत्मा ने कहा था कि आप अपने मित्र बदल सकते हो लेकिन अपना पड़ोसी पड़ोसन नहीं, इसलिए पड़ोसियों से मिलजुल के रहो, ठीक है, चाहे पड़ोसी है या पड़ोसन जो भी है। आइए देखिए, 3 अंक पर कामा लगाओगे, ए भाई कामा वाला काम चला गया, फिर भूला नहीं अभी तक, यही तो है आदत बुरी बला, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे,
तीन और फिर गुणा का चिन्ह लगा के एक लिखोगे, इसके बगल दो जीरो लगाओगे क्योंकि दो गिनती है, तो 300 होगा, 300 ना, ठीक है। अब अगला समझिए, नहीं हल्के में ना लो, पड़ोसी वाली बात बहुत काम की चीज है, अगर ढंग का पड़ोसी पड़ोसन मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाती है, और कहीं खरकट टाइप की मिल गई ना, लड़ते लड़ते जिंदगी बुढ़ा जाएगी। चलो इसका प्लेस वैल्यू बताओ दो का, क्या होगा? सबसे पहले ये गिनती लिखेंगे जिसका निकालना है, वन, उसके बाद कितने अंक हैं इसके दाहिनी तरफ, एक दो ये तीन चार, तो चार टू सुनना लगाओगे, तो दो के बाद चार जीरो लगाओगे भाई साहब, 20,000 कितना आएगा, 20,000 20,000, ये क्या है, प्लेस वैल्यू बोलता है इनको हिंदी में, एंड मतलब इंग्लिश में, हिंदी में स्थानीय मान। एक होता है जातीय मान, क्या होता है, फेस वैल्यू। आठ का जातीय मान बताओ, वैसे आपके परीक्षा में इसमें था नहीं लेकिन मैं बता देता हूं, जिन्हें बोलते हैं फेस वैल्यू, यहां पर एक वर्ड है जातीय मान। बहुत से लोग मुद्दा रखते हैं जाति धर्म, फायदा होता है, बहुत से लोगों को नुकसान होता है राजनीति की बात करो तो, लेकिन कहते हैं ना जाति है कि जाति नहीं है, जाति है कि जाति नहीं है, ये सच है। आप कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म भी अप्लाई करते हो उसमें भी आपसे जाति पूछी जाती है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी क्या हो, उस पर आधारित रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, और आपका मान सम्मान भी उसी हिसाब से होता है। जाति तो बनाई गई इंसानों के द्वारा ही है लेकिन काफी हद तक यूज होती है हर जगह, ठीक है। इसका मैं बता कह रहा हूं, यहां काम है, काम इसलिए है कि जैसे मान लीजिए अभी इसमें कोई कमेंट कर रहा है सोनम सिंह, ठीक है, तो अब इनका जहां तक मोटा मोटा लग रहा सरनेम सिंह है ना, सोनम सिंह, देखिए नाराज नहीं होनेगा, कुछ एग्जाम्पल के आधार पर मैं बता रहा हूं, वैसे कोई भी हो सकता है, इनके नाम बहुत से लोग हैं पूरे ऑल इंडिया में, देश भर में है ना। तो अभी मान लीजिए ये पुलिस में हो जाए तो क्या होगा, जाति तो वही रहेगी, स्थान बदल जाएगा। तो अभी एक जो स्टूडेंट है फिर पुलिस भी बोला जाएगा, हाँ मतलब मान बदल गया कि नहीं, अगर आईएएस ऑफिसर बन गई तो नाम तो वही है, जाति तो वही है, लेकिन स्थान बदल गया तो मान बदल गया, समझ रहे हो, स्थान बदल गया तो मान बदल गया लेकिन जाति नहीं बदली। तो अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कहीं जाएगा उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं होती, घर वाले भी उतनी इज्जत नहीं करते, कहते ना बेरोजगार स्टूडेंट और विधवा महिला की तकलीफ कोई समझता नहीं है। तो लेकिन अगर वही आईएएस बन गया तो, या कोई बड़ा अधिकारी हो गया किसी भी डिपार्टमेंट में, तो मान बदल गया कि नहीं, जाएंगे कहीं लोग खड़े हो जाएंगे, कुर्सी आपको देंगे बैठने के लिए, चाय बना के भी लाएंगे बिना पूछे, तो क्या समझा, स्थान बदल गया तो मान बदल गया लेकिन जाति नहीं बदली। क्यों, क्या जाति बदल जाएगी क्या, अगर कोई सिंह टाइटल लगाता है, वो स्टूडेंट है पढ़ रहा है, अगर वो आईएएस पीसीएस बन गया तो क्या वो शुक्ला लगाने लगेगा, यादव लगाने लगेगा क्या, नहीं ना। तो वैसे क्या मैं बताना ये चाहता था कि जातीय मान में किसी भी नंबर का जातीय मान वही नंबर होता है, कुछ नहीं बदलता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आया, तो किसी भी गिनती का जातीय मान यानी फेस वैल्यू वही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 9 का जातीय मान क्या होगा, 9, 2 का क्या होगा, 2, 3 का क्या होगा, 3, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया ना। चलें आगे, तो स्थानीय मान अगर पूछा जाता है तो अलग अलग होता है अलग अलग गिनती का, लेकिन जातीय मान किसी भी गिनती का वही होता है जहां तक मुझे पता है, किसी को और ज्यादा पता है तो बताइएगा। चलें आगे, अब इसमें 2 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, जल्दी करें, क्या होगा 2 का स्थानीय मान,
बहुत आसान है, आप दो लिखोगे गुणा का चिन्ह लगा के और इसके बगल में दाहिनी तरफ दो गिनती है तो दो जीरो, यानी कितना हो जाएगा 200। इसका जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वही होगा, दो का दो ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। गए, निपट गए, चलो आगे बढ़े। इसमें वन का स्थानीय मान बताओ क्या होगा, वन का प्लेस वैल्यू इजी है, आप वन लिखोगे इनटू वन लगाओगे, मैं सब में बताया हूं। जिसका स्थानीय मान निकालना है उस गिनती को लिखते हैं इनटू वन करते हैं। इसके दाहिनी तरफ गिनती गिनिए, एक दो तीन चार ठीक है, तो चार जीरो लगाओगे तो एक के बाद चार जीरो लगाओगे तो 10,000, 10,000। फालतू कमेंट वालों को बिना बोले ब्लॉक कर दिया जाता है, इसलिए सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई टाइम पे, बाकी मैं क्लास शेड्यूल किया रहता हूँ 24 घंटे के लिए, जाओ करो ना वही, बदलाव दिन भर कौन रोकता है। याद रखना जिंदगी में अगर तुम बर्बाद होना चाहते हो तो तुम्हें कोई सुधार नहीं सकता, कोई नहीं, तुम्हारा माँ बाप भाई बहन गुरु कोई नहीं, क्योंकि इंसान खुद अपना भाग्य विजेता होता है, भाग लिखता है, जो भी कर्म करता है उसे पूरी दुनिया चाहे नहीं सुधार सकती, कुछ भी करे, कोई छोटा सा ही बच्चा है या बड़ा हो गया कितना भी, जब तक इंसान खुद ना बदलना चाहे सुधरना चाहे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक ना, चलो आगे, क्योंकि हाँ अगर तुम सक्सेस हो रहे हो तो दुनिया तुम्हें बर्बाद कर सकती है, तुम्हें पीछे खींच सकती है, भटका सकती है, तुम्हारा काम गड़बड़ कर सकती है, लेकिन तुम गड़बड़ हो रहे हो तुम्हें कोई सही नहीं कर सकता है, वो तुम्हीं को करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही काम तो है जो अपने आप को करना पड़ता है, अपने आप को बनाना, अपने आप को बेहतर करना, बाकी बर्बाद करने को तो पूरी दुनिया कर देती है। एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, नफरत से ही नहीं मोहब्बत करके भी कोई आपको बर्बाद कर सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, है मेरे पास विद प्रूफ है। ठीक है, अगर आप ढंग से जी रहे हो, किसी भी अपने काम में अच्छे से मन लगा के कर रहे हो, तो कोई आपको ऐसे प्यार से उलझाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ चले गए, रास्ता चेंज हो गया आपका। याद रखना, अगर ढंग से सुकून से जी रहे हो तो ये भी याद रखना, सावधान रहना, ऐसा नहीं कि जो आपके विरोधी हैं वही आपको गड़बड़ करेंगे, जो आपको कोई बहुत ज्यादा चाह लेगा ना हद से ज्यादा, वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें बताइए वन का प्लस वैल्यू क्या होगा, वन का प्लस वैल्यू क्या होगा बता लेंगे हर कोई ना। देखिए वन लिखोगे, वन के बाद में दो दो चार दो छह गिनती है तो छह जीरो लगेगा, यानी 10,00,000 हो जाएगा। जानते हो कि नहीं, 5 जीरो में 1,00,000 होता है। ठीक, नो डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो ये था स्थानीय मान। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूं कि वन का फेस वैल्यू क्या है, बताइए जातीय मान, वन का जातीय मान बताइए। क्लास पूरा एंड तक देखिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, और क्लास को लाइक शेयर करिए, आपकी जिम्मेदारी है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल डीपली ढंग से पढ़ाऊंगा मैं, पूरी जिम्मेदारी गारंटी के साथ कह रहा हूं, कैमरे के सामने इतने लोग देख रहे हैं। गणित में डीएलएड में 25 में 25 मिलेगा, 26 नहीं, 25 में 25 मिलेगा, लेकिन आपको जितना पढ़ाया जाए उसे पढ़ना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और डेली क्लास को लाइक शेयर भी करना है। क्यों? क्योंकि लाइक शेयर नहीं करोगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो जो सबको मोटिवेट कर रहा है वही डीमोटिवेट हो जाएगा तो कहाँ चलेगा। तो इतना काम करना है, और डेली बस एक एक क्लास पढ़ना, 40 मिनट 30 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं, दिन भर नहीं पढ़ना बैठ के, इसी क्लास में सब हो जाएगा, लेकिन रेगुलर आना है। किसी कारण से छूट गया बाद में देखना है, डाउनलोड नहीं करना, ऑनलाइन देखना है। प्लेलिस्ट कैसे अपने मोबाइल में जोड़ेंगे मैं आपको तरीका बता दूंगा, गायब नहीं होगा। किसी भी चैनल की प्लेलिस्ट आप अपने मोबाइल में ऐड कर सकते हैं, वो गायब नहीं होगी कभी, खोजेंगे नहीं, खोजना नहीं पड़ेगा बिना डाउनलोड किए। ठीक है,
ये थोड़ा सा अलग है, क्या पढ़ेंगे ये भैया, थोड़ा सा अलग है, शब्दों वाला आ गया, बताओ क्या पढ़ेंगे, कर लेंगे। सबसे पहले कोई बता दिया, विजय, बहुत अच्छा, अभय राजपूत, हो गया भैया, वो हो गया जो तुम कह रहे हो, चलो वेरी गुड। दो अंक पर दशमलव, इधर तीन अंक पे सैकड़ा वाला पार्ट है, ये हजार वाला, ये लाख वाला है, नब्बे लाख, नब्बे लाख, और इधर कुछ नहीं है, सब जीरो, तो जीरो हजार तो लिखोगे नहीं, नब्बे लाख सत्रह, क्या लिखोगे, नब्बे लाख सत्रह, इसको बताइए, जवाब दीजिए। पीछे से तीन अंक पर लगाओगे कॉमा, फिर दो दो अंक पे कॉमा लगाओगे, चलो पीछे वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये हजार सैकड़ा वाला है, ये हजार वाला है, ये लाख वाला है, ये करोड़ वाला, याद रखना, ये करोड़, ये लाख, ये हजार, ये सैकड़ा, चार करोड़, ये तो सुनना है, कुछ नहीं बोलेंगे इस पे, चार करोड़ आठ हजार एक। लेकिन अगर आपको मैं लिखने को बोल दूं इसे कुछ और तो लिख लोगे, ये क्या है, चार करोड़ आठ हजार एक, क्योंकि लाख वाला जीरो है। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि ये लिखो भैया, गिनती में ऐसे लिखना, सात करोड़ पांच हजार एक, इसको लिखो गिनती में, जैसे ये लिखा ऐसे लिख के दिखाओ अंकों में, चलो लिखो, बताइए, सात करोड़ पांच हजार एक, लिखिए जल्दी से, चलिए गिनती में लिखना है, इसे लिखना है, इसे इसे गिनती में, शब्दों में नहीं लिखना है, लिखिए, बहुत आसान है, इसी पर तो आधारित था, कुछ अलग थोड़े था, सात करोड़ था तो इसके नीचे सात लिख दो, अब पांच हजार एक है, बीच में तीन जीरो था, तीन जीरो लगा दो, पांच हजार एक तो दो जीरो फिर एक, बस यही तो था। लेकिन अगर ये डेमो ना दिया होता तो कोई लिख ना पाता आधे ज्यादा, अगर ये ना होता मैं ऐसे डायरेक्ट बोलता सात करोड़ पांच हजार एक लिखो तो बीच में तीन जीरो रहेगा, दो जीरो रहेगा, कैसे जानते, इसीलिए प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में अगर आया भी तो ऐसे कुछ आएगा टीम टाम टाइप का, एक नंबर में वो 228 लिखने को नहीं आएगा। जैसे देखो विजय गलत लिखे हैं, सात करोड़ अगर लिखना है तो करोड़ में जितने अंक होते हैं उसके अंदर में ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, अगर कहा जाए कि सात लाख 212 लिखो तो आप सात लाख ऐसे नहीं लिखोगे पहले कि सात लाख लिख दो, ठीक है, सात लाख लिख दिया, हाँ अब 212 हियां लिख दें, ऐसे नहीं होता भैया, ये गलत है, सात लाख 212 हमें लिखना है तो जितने अंक में सात लाख होता है उतने के अंदर आ जाना चाहिए, उससे बड़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे सात लाख ऐसे पांच जीरो रहेगा, पांच जगह बना लो, पांच जगह बना लिया, लास्ट में क्या था 212, तो 212 लास्ट में ऐसे लिख लो, जो बचे हुआ जीरो लगाओ ऐसे दो जीरो, ठीक है, सात लाख 212, समझ में आया, यानी ये यही छह अंक में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि छह और दो तीन नौ अंक हो जाए तो वो लाख में नहीं रहा, फिर करोड़ में पहुंच गया, दस करोड़। संकज कुमार, सिंपल भारती, महबूबी, बहुत से लोगों का गलत है, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, ये 200 हो गया, ये 3 हो गया, ये सैकड़ा, ये हजार, ये लाख, सात लाख 3208, क्या पढ़ेंगे, सात लाख 3208, सेवन करोड़ तक पहुंच रहा है भाई, करोड़ तक पहुंचेगा क्या, गिनते हैं, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, मैं गिना नहीं क्या, ये हो गया सैकड़ा वाला, ये हजार वाला, हाँ करोड़ तक पहुंच रहा है यार, सात करोड़ 3208, ये देखो लाख वाला बीच में जीरो जा रहा है, जीरो खत्म,
7,03,208, ठीक है। आइए 19 नंबर बताइए क्या होगा, 19 नंबर बताइए। एक बात बताऊं, अगर मैं लाइट थोड़ा सा बंद कर दूं ना तो आपको और बढ़िया दिखेगा, लेकिन मैं एकदम करिया भूत दिखूंगा। देखो अब देखो और अच्छा दिख रहा होगा बोर्ड की नहीं, देखो तीन चार पांच, ठीक है। पीछे से एफ ए लगाएंगे कॉमा, एफ ए दो दो अंक पे, फिर दो दो अंक पे लगा दो तो खत्म। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दस हजार, लाख दस लाख, क्या हो जाएगा 40,02,000। क्या है ये 40,02,000, दिख रहा है कि नहीं, कम तो नहीं दिखने लगा। बताइए अगला लास्ट क्वेश्चन आज का क्या होगा, ये जवाब दीजिए फटाफट। आज एक घंटे से ज्यादा क्लास हो गई ना, 15 चली थी, 15 तो बीत चुका है। टाइम देख के कोई काम नहीं होता है, किसी काम में इतना मन लग जाए कि समय का ख्याल ना रहे, वही काम है रियल का। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इन योर वर्क देन यू बिकम अ रॉन्ग प्रोफेशन। इंग्लिश हमारा सही रही ना एकदम। यदि आप जो है अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आपका अपने काम में मन नहीं लगता है, तो हो सकता है कि आप कोई गलत काम में लगे हैं, उसको नहीं करना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई प्रकार का काम हो, कुछ भी। अगर आप अपना काम जो भी कुछ करते हो जिंदगी में लगातार 4-6 घंटे नहीं कर सकते हो, उब जाते हो, परेशान हो जाते हो, थक जाते हो, तो मत करो, छोड़ दो, कुछ बहुत बड़ा उसमें नहीं कर पाओगे। पीबीआर स्टडी में मैं कोई बहुत गर्व के साथ या घमंड के साथ या वो नहीं बोल रहा हूँ, आज यूट्यूब पर मैंने 5 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा, 10 लोगों की टीम मैनेज करता हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था कुछ नहीं था, एक छोटी सी मोबाइल से मैंने खुद ही शुरू किया था, पुराना मोबाइल खरीद करके, लेकिन एक टूटी सी कुर्सी थी, उस पर मैं 8-8 घंटे बैठ जाता था, तो मैं उठता नहीं था, मुझे याद नहीं रहता था मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, क्योंकि जब एक से दूसरी चीज़ें जुड़ी होती हैं तो आपको फुर्सत नहीं रहेगी उठने की खुद ही, समझ रहे हो। ये क्या होता है, लगन। देखिए इसमें ये सैकड़ा वाला पार्ट है, ये हजार, ये लाख, और ये क्या है, करोड़, करोड़ वाला जीरो है, इससे कोई मतलब है नहीं, तो ये कौन सा है, लाख वाला पार्ट है, जीरो आठ है ना, आठ है या जीरो आठ है, बोलेंगे आठ ही, तो क्या बोलेंगे 8,32,000, क्या बोलेंगे 8,32,000।